नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों की फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। हांसी एरिया के गांव में दीवार तोड़कर घर में घुसे चोर, 10 लाख के जेवरात व नकदी पर किया हाथ साफ। जिले में चोरियों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। हांसी के दो गांव में तीन जगहों पर चोरियां हुई हैं। चोर घर की दीवार और जाली तोड़कर घर में घुसे और वहां से नकदी व जेवर लेकर फरार हो गए। चोरों ने बीती रात को उमरा गांव की ढाड़ियों में रहने वाले सुनील व रामफल के घर को निशाना बनाया। छोटे कर्मियों के लिए सरकार से भिड़ गए नायब तहसीलदार। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के नायब तहसीलदार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में नायब तहसीलदार कपिल देव अपनी ही सरकार को खरी खरी सुनाते नजर आ रहे हैं। नायब तहसीलदार सचिवों के साथ चल रहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 20 साल से काम कर रहे डाटा एंट्री ऑपरेटर व ठेके के कर्मचारियों को पक्का करने की पॉलिसी नहीं बनाने को लेकर सरकार पर भड़क गए। बिल न भरने वालों के मीटर उतारने गई थी, मारपीट कर भगा दिया। हरियाणा में कैथल जिले के गांव जडौला में बकाया बिलों की रिकवरी करने गई बिजली निगम की टीम के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। यही नहीं, दोबारा आने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। ढांड थाना पुलिस को ढांड एसटीओ बीबी काला ने शिकायत दी है। 3 लाख सालाना परिवार आय वाले सक्षम नौजवान होंगे योजना से बाहर, सरकार ने जारी किए आदेश। एक तरफ तो विपक्षी दल सरकार आने पर बेरोजगारों को 20,000 रुपये महीने का भत्ता देने का वायदा कर रहे हैं, वहीं मौजूदा सरकार ने बेरोजगारों को 3,000 महीना भत्ते पर कैंची चलानी शुरू कर दी। सरकार की सक्षम जिनके परिवार की सालाना आमदनी 3 लाख रुपये या इससे ज़्यादा है, इस बारे में भी सभी रोजगार अधिकारियों के डायरेक्टर की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों के अनुसार जिन सक्षम युवाओं ने अपने परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 3 लाख रुपये या इससे ऊपर दिखाई है, उनको योजना से बाहर कर दिया जाए। गुरुग्राम में गिरी 3 मंजिला इमारत, कई लोगों के दबे होने की आशंका। गुरुग्राम में रविवार देर शाम 3 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे में कई लोगों के फंसने की आशंका है। इमारत गिरने का यह हादसा फरूखा नगर के खावसपुर इलाके में हुआ। फिलहाल जिला प्रशासन की तमाम टीमें राहत व बचाव कार्य में जुटी हैं। बताया जा रहा है कि इस 3 मंजिला इमारत पर आसमानी बिजली गिर गई थी, जिससे भवन ध्वस्त हो गया। एसी बदलने की सरकारी योजना से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर करें फोन। हरियाणा के बिजली वितरण निगमों ने प्रदेश में ऊर्जा बचत को प्रोत्साहन देते हुए घरेलू ऊर्जा खपत और पीक लोड को कम करने के लिए सुपर एनर्जी एफिशिएंट स्प्लिट इन्वर्टर एयर कंडीशन लगाने की योजना शुरू की है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम झज्जर सर्कल के अधीक्षण अभियंता संदीप जैन ने बताया कि यह योजना ग्रामीण तथा शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है, जिसके तहत उपभोक्ता 1.5 टन का ऊर्जा बचत वाला नया एसी लगवाकर या पुराने एसी को बदलकर अपने बिजली बिल को कम कर सकते हैं। रैन बसेरा में लगी आग, बचाए गए लोग, देखें कितना नुकसान हुआ। भिवानी रोड पर स्थित पालिका कॉलोनी में रविवार दोपहर को उस समय हड़कंप मच गया जब नगर निगम द्वारा बनाए गए रैन बसेरा में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई आग ने देखते देखते भयावह रूप धारण कर लिया। सूचना मिलने पर दमकल केंद्र के कर्मचारी 6 गाड़ियों समेत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग से रैन बसेरे को बचाया नहीं जा सका। आग से सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। अधिकारियों ने 95 लाख रुपये का नुकसान होना बताया है। अनिल विज बोले, लोगों का मनोरंजन कर रही कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि संघ पर टिप्पणी करने वाले राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि यह विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। राहुल गांधी कांग्रेस के अंदरूनी जंग और फूट पर बौखला गए हैं। पंजाब कांग्रेस ने दिन पर दिन बढ़ रही कलह को लेकर अनिल विज का कहना है कि कांग्रेस की फूट केवल किसी एक राज्य पंजाब में नहीं बल्कि हर राज्य में इनकी हालत खराब है। अब तो लोगों ने कांग्रेस के भीतर चलने वाली जंग को एंटरटेनमेंट का माध्यम समझ लिया है। हरियाणा में खात्मे की ओर कोरोना की दूसरी लहर, आज 11 जिलों में कोई केस नहीं मिला। हरियाणा में कोरोना वायरस की दूसरी लहर खात्मे की ओर है। रविवार को प्रदेश में कोरोना के 35 केस मिले और 6 लोगों की मौत हो गई। राहत की बात है कि 11 जिलों में कोई केस नहीं मिला, वहीं 35 लोगों ने कोरोना को मात दी, जिसके बाद प्रदेश में 817 एक्टिव केस रह गए हैं और रिकवरी दर 98.65% है। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल 7,69,539 केस मिल चुके हैं, जिनमें से 7,59,123 लोग ठीक हो चुके हैं और 9,599 लोगों की मौत हो चुकी है। महंगाई ने जनता की कमर तोड़ी, भ्रष्टाचार गला घोट रहा शैलजा।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया है कि नगर निगमों, परिषदों, पालिकाओं में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। इस सरकार में आम आदमी की धैर्य की इतनी परीक्षा क्यों ली जा रही है? महंगाई ने आम जनता के लिए दो वक्त की रोटी भी मुश्किल कर दी है। भ्रष्टाचार तंत्र उसका गला घोटने की कोशिश कर रहा है। सरकार की गलत नीतियों से विकास में प्रदेश कोसों दूर चला गया है। पदभार संभालने के बाद पहली बार कुरुक्षेत्र पहुंचे राज्यपाल, बोले तीर्थों की भूमि में आकर मिली आध्यात्मिक शांति। हरियाणा के नव नियुक्त राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को विश्व स्तरीय तीर्थ नगरी व दिव्य कुरुक्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस नगरी को तीर्थों की नगरी के रूप में विकसित करने के लिए कई योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कुरुक्षेत्र को पर्यटन, धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में विकसित किया जाए। हरियाणा में 26 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, रेस्टोरेंट और बार रात 11 बजे तक खोल सकेंगे और क्या छूट दी गई? हरियाणा में सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। सरकार ने इस बार भी अपने आदेश में कुछ और राहत प्रदान करते हुए लोगों को तीसरी लहर आशंका को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने और कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। लापरवाही बरतने और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई। ओम प्रकाश चौटाला का दावा, 2024 से पहले बाहर होगी मोदी सरकार, जल्द होंगे मध्यावधि चुनाव। हरियाणा के पूर्व सीएम और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने देश और हरियाणा की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। रविवार को ओम प्रकाश चौटाला ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि वर्तमान बीजेपी सरकार 2024 से पहले ही सत्ता से बाहर हो जाएगी। साथ ही कहा कि हरियाणा में बीजेपी और जजपा गठबंधन अब कमजोर हो चुका है। किसानों को 90% छूट पर मूंग का बीज, ये करने पर 4,000 रुपए की सहायता भी मिलेगी। उपायुक्त अजय कुमार के दिशा निर्देशानुसार गत दिवस कृषि कार्यालय में फसल विविधीकरण योजना के संबंध में जिला स्तर की बैठक का आयोजन किया गया। उप कृषि निदेशक डॉक्टर वजीर सिंह ने बताया कि जो किसान फसल विविधीकरण योजना के तहत मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर बाजरा की जगह मूंग का पंजीकरण करवाकर मूंग की खेती करेगा, उसे सरकार द्वारा 4,000 रुपए की सहायता राशि देने के साथ साथ 90% छूट पर कृषि विभाग की ओर से मूंग का बीज सरकारी बीज की दुकान पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। पंचकुला के जंगल में नाबालिग बच्ची का मिला शव। पंचकुला में जंगल में मिला एक नाबालिग बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बच्ची की उम्र करीब 13 से 15 साल के बीच है। फिलहाल बच्ची की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं सूचना मिलते ही डीसीपी मोहित होंडा सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव अस्पताल में रखवा दिया है। पुलिस फिलहाल मामले की हर एंगल से जाँच में जुटी है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष, कई मसलों पर चर्चा। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने रविवार को नई दिल्ली पहुंचकर हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से शिष्टाचार भेंट की। प्रधानमंत्री ने भूपेंद्र यादव को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी है। ज्ञानचंद गुप्ता ने उन्हें नए दायित्व की बधाई तथा उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच किसान आंदोलन से जुड़ी गतिविधियों और हरियाणा के सामाजिक राजनीतिक मसलों पर भी चर्चा हुई। दिन भर रही उमस, शाम को हरियाणा के कई जिलों में बारिश, आगे कैसा रहेगा मौसम? प्रदेश भर में दिन भर उमस रहने से लोग गर्मी से बेहाल रहे। हालांकि शाम होते ही कई जगहों पर कहीं तेज तो कहीं हल्की बूंदाबांदी ने गर्मी से राहत दिलाई। रविवार को भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, फरीदाबाद, पलवल तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। बारिश से पहले घने बादल छाने से शाम को ही अंधेरा छा गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में 18 जुलाई रात्रि से 21 जुलाई के बीच हवाओं तथा गरज चमक के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है। बीकॉम की छात्रा ने घर में लगाई फांसी, सुसाइड नोट में लिखी यह बात। गांव कूड़क में बीकॉम की एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गांव कूड़क की 21 वर्षीय साइना बीकॉम की छात्रा थी। साइना पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रही थी। इसी परेशानी के चलते उसने अपने कमरे को लॉक कर फांसी लगा ली। कमरे से एक अंग्रेजी में लिखा हुआ सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें लिखा है कि उसकी मौत की वह खुद जिम्मेदार है। वहीं हादसे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम बाद परिजनों को सौंप दिया। 18 को थी बेटी की शादी, घर के पास जल भराव से परेशान व्यक्ति ने सीएम को किया ट्वीट, तुरंत मौके पर पहुंची टीम।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रैकर प्रदेश के लोगों के लिए अपनी शिकायतें दर्ज कराने का अत्यंत सुविधाजनक माध्यम बनकर उभरा है। और एक बार फिर मुख्यमंत्री का ट्विटर हैंडल @CMOHRY एक व्यक्ति हरिओम निवासी पर्वतीय कॉलोनी बाल कल्याण पॉकेट जिला फरीदाबाद के लिए मददगार साबित हुआ। मुख्यमंत्री के IT सलाहकार ध्रुव मजूमदार ने बताया कि हरिओम ने 15 जुलाई 2021 को CM के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर बताया था कि उनकी बेटी की शादी 18 जुलाई को होनी है और रिहायशी इलाके में जल भराव की समस्या के कारण शादी की तैयारियों में कठिनाई आ रही है। जैसे ही शिकायतकर्ता ने ट्वीट किया, तुरंत SMZT की टीम हरकत में आई और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। स्वास्थ्य विभाग का कारनामा, जीवित व्यक्ति को कर दिया मृत घोषित। प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी को विभागीय कामों में जरूरी कर दिया है। फैमिली आईडी बनवाने पहुंचे व्यक्ति को धक्का लगा जब उसे फैमिली आईडी बनवाते समय मृत घोषित पाया गया। यह कारनामा स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया हुआ है। विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते जीवित व्यक्ति को ही मृत घोषित कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को शिकायत देने के बाद भी समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत CM विंडो पर दी। अब आधे घंटे के भीतर ठीक होगा बिजली फॉल्ट। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम अब आधे घंटे के भीतर फॉल्ट को ठीक करेगा। इसके लिए व्यवस्था में विशेष बदलाव किया गया है। इसके लिए सोशल मीडिया पर भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। फॉल्ट ठीक होने के बाद ग्रुप में तुरंत अपडेट होगी कार्यवाही। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रवेश परीक्षा के लिए जारी किया शेड्यूल। विश्वविद्यालय परीक्षाएं भी साथ में आने से बड़ी परेशानी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस दौरान प्रवेश परीक्षा और फिजिकल टेस्ट भी होंगे। लंबे समय से उम्मीदवार इन भर्तियों के लिए परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसके साथ ही साथ गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की ओर से भी परीक्षाओं के लिए डेटशीट जारी कर दी गई है। अब समस्या ये है कि आवेदकों की दोनों तरफ परीक्षाएं एक ही दिन में हैं। विद्यार्थियों ने मांग की है कि कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षा को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी परीक्षाओं की तारीख बदले, ताकि परीक्षार्थियों को दोनों परीक्षा में बैठने का मौका मिल सके। चानौत में सर्वजातीय सर्वखाप पंचायत में किसान आंदोलन को मजबूत करने की रणनीति तैयार। चानौत गांव में सर्वजातीय सर्वखाप पंचायत का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता सुमेर जागलान द्वारा की गई। पंचायत में प्रदेश की कई बड़ी खापों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान किसान आंदोलन के किसान द्वारा मजदूर एकता में खापों पर की भूमिका पर चर्चा की गई। सरकार पर हमला बोलते हुए कृषि कानूनों के समर्थन में खाप नेताओं ने हुंकार भरी। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की पंचकूला के हुक्का बारों पर छापामारी। युवक युवतियों के नशा परोसते 4 गिरफ्तार। शहर के 2 हुक्का बारों में मुख्यमंत्री उड़न दस्ता और सेक्टर 5 थाना पुलिस की ओर से संयुक्त रेड की गई। रेड करने के साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता को गुप्त सूचना मिली थी कि कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए युवक युवतियों को नशा परोसा जा रहा है। इसके बाद DSP सिद्धार्थ के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और सेक्टर 5 थाना पुलिस की टीम ने सेक्टर 11 स्थित कोको हुक्का बार और सेक्टर 9 स्थित पर्पल फ्रॉग हुक्का बार में देर रात 1 बजे रेड मारी। गिरफ्तार किए आरोपित आशीष गुरुकीर्तन, प्रभात सैनी और विक्रम हैं। चढ़ूनी के पक्ष में आए भाजपा विधायक, बोले किसानों को अलग चुनाव लड़ना चाहिए। जहां एक ओर किसान नेताओं और भाजपा नेताओं के बीच कृषि कानूनों को लेकर 36 का आंकड़ा बना हुआ है, वहीं राय विधानसभा के भाजपा विधायक मोहन लाल बड़ोली ने चढ़ूनी का पक्ष ले लिया। बड़ोली ने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को उस बयान को अच्छा बताया, जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने उन्हें 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया हुआ है। वरिष्ठ नेता बहादुर सिंह नायक ने थामा जजपा का दामन, इनेलो को लगा झटका। वीरवार को इंडियन नेशनल लोकदल को उस समय बड़ा झटका लगा जब टपरी वासी प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं वर्तमान में इनेलो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बहादुर सिंह नायक ने जननायक जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। JJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अजय सिंह चौटाला की उपस्थिति में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की।